कई बार बच्चों आपको बताया है कि कॉलेज को ध्यान में रखिए मतलब कॉलेज आपको जब बेस्ट मिल रहा होता है तो आप ब्रांच को जो है प्रायोरिटी मत दीजिए ब्रांच अगर आपको नीचे लेवल का भी मिल रहा है मैं फिर बोल रहा हूं चाहे आपको आईआईटी मिले एनआईटी मिले ट्रिपल आई मिले जी मिले जितने भी बेस्ट जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं आपके चाहे उनके जो है जिस जिस भी कॉलेज के नाम के आगे सिंपल लाइन में अगर बता दूं नेशनल लगा है इंडियन लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसको आप प्रायोरिटी में रखो भले ही आपको नीचे लेवल का वहां ब्रांच मिल रहा हो अगर आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग कर रहे हैं तो स्टेट लेवल की काउंसलिंग में आपके जो स्टेट के टॉप कॉलेज हैं उनको आप प्रायोरिटी में रखो जैसे मैं आपको एक बता दूं आज एक बच्चे के फादर का मेरे पास फोन आता है वो मुझसे बोलते हैं कि भाई मेरे बच्चे की रैंक जो है वो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड अब आप देखिए फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रैंक है बच्चे की और फिफ़्टी सिक्स थाउजेंड बच्चे कहाँ पे गलतियाँ करते हैं गलतियाँ प्लीज़ आप लोग मत करिए और मैं बार बार बोल रहा हूँ फिफ्टी सिक्स थाउजंड रैंक पे वो, उन्होंने क्या किया है कि, कि किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बैंगलोर के किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस भी जमा कर दिए और वहाँ पर एडमिशन भी ले लिया है अब बच्चा बच्चे को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा या फिर क्या दिक्कत आ रही है मुझे नहीं पता है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर दिसंबर के महीने में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी हो जाएंगे पता नहीं कौन सी जल्दबाजी चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आई के अभी एडमिशन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और उनकी क्लासेस हो सकता है दिसंबर के बाद स्टार्ट हों अब वो कह रहे हैं कि भाई अब बताओ फिफ्टी सिक्स रैंक पे फिफ्टी रैंक पे क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अब जो उनकी फीस जमा हुई है उस कॉलेज में वो फीस तो चली गई तो ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाइए ब्रांच के चक्कर में ब्रांच आपको चेंज करने के बहुत मौके मिलेंगे स्टार्टिंग में जब आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग का एक ऑप्शन आएगा उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकंड ईयर में ब्रांच आप अपना अगर परफॉर्मेंस अच्छा रखते हैं अपने बच्चों में अपने जो क्लास के बच्चे हैं सिक्सटी बच्चे हैं एट्टी बच्चे हैं हंड्रेड बच्चे क्लास में हैं इन बच्चों में केवल आपको कंपटीशन करना होगा जैसा मैंने बताया था ना प्रिपेटरी रैंक लाने के बाद आई में एडमिशन लेने के बाद आपको अपना जो एग्ज़ाम होगा इंटरनल वाला आई जो कराएगा उसको पास करना होगा तो ये ज्यादा आसान है अपने क्लास के बच्चों में कंप्लीट करके उनको फाइट करके वहां पे इन बच्चों में इतनी छोटी सी फाइट आपको करनी है अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आप बड़े बड़े एग्जाम आगे आप कैसे पास करोगे तो कहने का मतलब यही है कि आप ब्रांच चेंज करना बहुत ही ईजी होता है बहुत सारे बच्चों ने इस बार चेंज भी किया है ब्रांच और जिन बच्चों को ब्रांच चेंज करने का मौका भी मिल रहा था कई सारे बच्चों को बायोकेमिकल से इसी में जाने का मौका मिला था एचबीटीआई वगैरह में पढ़ते हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने ब्रांच चेंज नहीं किया क्योंकि एक बार मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि ब्रांच में घुसने से पहले कॉलेज में जाने से पहले बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है ये ब्रांच ऐसा है वो ब्रांच वैसा है लेकिन जब वो वो पहुँच जाता है वो देखता है अपने एवलेवनाइस को अपने सीनियर्स को अपने फैकल्टी को इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉलेज के माहौल को तो उसको वो ब्रांच अच्छा लगने लगता है जब तक बच्चा उस ब्रांच के बारे में जानता नहीं है शर्म के बारे में नहीं जानता है बायोकेमिकल के बारे में नहीं जानता है तो केवल तब तक वो अंदाजा लगाता है कि ब्रांच ये ऐसा होगा ये वैसा होगा इसमें जॉब नहीं मिलेगी जिनको वो सुनता है रो जिनको वो जानता है उस ब्रांच को उनसे वो हैबिचुअल हो गया मतलब उनका वो यूज हो गया है तो उनके बारे में बड़े अच्छे से उसको लगता है कि हम जानते हैं बच्चे बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस के जो पैकेज देखते हैं ना पूरे इंडिया में आपको उस पैकेज में इंटरेस्ट है सीधी सी बात यह है लेकिन पैकेज आपको दूसरी ब्रांचेज में मिलते हैं लेकिन दूसरी ब्रांचेज आप देखेंगे आई के अंदर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा सर आई के अंदर सब जो ब्रांचेज होती हैं जैसे आपका बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है एक्सप्लोरेशन फिजिक्स है जियो है पता नहीं कौन कौन सी जो ब्रांचेज हैं ये यह यहाँ पे क्यों होती हैं और बच्चे क्यों लेते हैं यहाँ पे तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये बताइए ये जो ब्रांचेज आपकी होती हैं ये आपके आसपास के कॉलेजेस में क्यों नहीं होती हैं इस इस सवाल को सोचो और कमेंट बॉक्स में बताना कि जो जितनी भी ब्रांचेज आपको आईआईटी में मिलती हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ जैसे आप देखेंगे इंडस्ट्रियल आपका सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया मैनुफैक्चरिंग हो गया उसके बाद माइनिंग चलो मिल जाती है अप्लाइड जियोलॉजी आपको नहीं मिलेगी एवरेज कॉलेज में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपको सभी की लगभग लगभग सारे कॉलेज में मिल जाएगी एरोस्पेस बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग आपको सभी कॉलेज में नहीं मिलेगी है ना तो ये सारी जो ब्रांचेज होती हैं ओशियन नवल इंजीनियरिंग टाइप की जो ब्रांचेज हैं या जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आपकी फाइव ईयर की जो ब्रांच है ये फिजिक्स फाइव ईयर चल रहा है पॉलीमर साइंस चल रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चलो एवरेज कॉलेज में मिल जाती है सभी कॉलेज में मिल जाती है इसके बाद आपका यहाँ ब्रांच है बायो इंजीनियरिंग बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और आपके पास मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अभी आपको देखने को मिलेंगी अभी मैं बताऊंगा जब नीचे तो आपको देखने को मिलेंगी तो मैं पे बता दे रहा हूँ आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईआईटी के उन बच्चों की जिनको आईआईटी मिला है मतलब जिन्होंने एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई किया है और जिनको आई में जो इस साल पहुँचने वाले हैं तो वो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे जनरल कैटेगरी की बात करेंगे थोड़ा टाइम दीजिए अगले वीडियो में हम कैटेगरी वाले बच्चों की भी बात करेंगे बहुत अच्छे से कि उनको कैसे फिल करना अभी समय है मैं आपकी चॉइस सेलिंग में पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे देखिए जितने भी ऐसे बच्चे हैं सबसे पहले हम लोग यहां बात कर लेते हैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक आ रहा है आपका अंडर वन थाउजेंड वन थाउजेंड के अंडर कि, अंदर किसी का रैंक आ रहा है एक हजार के अंदर किसी का रैंक आ रहा है ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं मतलब सीआरएल रैंक और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनके पास एक ही रैंक आया होगा बाकी बच्चों के पास कैटेगरी रैंक भी होगा तो ये इन्वायरमेंटल दे, देखिए आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप देख रहे होंगे एम टे डिग्री जो देख रहे हैं फाइव ईयर कोर्स आप देखेंगे सबसे टॉप पे कौन सा ब्रांच भरा जा रहा है कंप्यूटर साइंस और छियासठ जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है पिछले साल आपको पता होगा पिछले साल का कट ऑफ है नया नहीं है पहले भी मैंने बहुत बार बताया है पिछले साल जो बच्चा था जो जिसकी फर्स्ट रैंक थी इस बच्चे ने आईआईटी नहीं लिया था ये मैसेज जैसे स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमआईटी चला गया था और इस पर काफी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी बवाल भी हुआ था कि ये क्यों क्यों जा रहा है ऐसा क्यों कर रहा है ये कोई बात नहीं वो चला गया उसका अपना जो है डिसीजन था पे देखिए मेटोजिकल इंजीनियरिंग आपकी बयालीस तक जा रही है यहां जिस कॉलेज में आपका ऑल इंडिया रैंक दो वाला बच्चा एडमिशन ले रहा है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने को मिल रहा है आप देखिए 5000 रैंक पे तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं यहां देख लें अठावन अगर आपकी रैंक 6000 तक जा रही है सीआरएल एडवांस में आप आई बॉम्बे में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ले सकते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं थोड़ा बड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि एनआईटी के बच्चों की भी बात करेंगे तो जल्दी जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा इसको यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे आप दूसरी आई आई टी खड़कपुर बहुत रेप्यूटेड आई आई है आपका उसके बाद यहाँ देखेंगे सी एस बंद हो रहा है दो सौ तिरानवे पे मतलब अगर आपका रैंक तीन सौ के अंदर आ रहा है सी एस के लिए आप भर सकते हैं इसको और लास्ट अगर हम यहाँ एडमिशन देखें तो दस हज़ार रैंक मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का नौ हज़ार दस हज़ार रैंक जा रहा है बड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं सर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है मैं आई टी लूँ या न लूँ मैं क्या लूँ परेशान ना हो दस हज़ार रैंक तक देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे दस हजार रैंक में आपको एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स फाइव ईर इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस मतलब एमएससी की जो है डिग्री आपको ये देंगे अप्लाइड जियोलॉजी को आप देख लीजिए यहाँ पे अप्लाइड जियोलॉजी आपको कितने रैंक में मिल रहा है बारह हजार तीन सौ छत्तीस मतलब बारह से तेरह हजार रैंक जा रहा है इस बार मैंने बताया था कल लाइव सेशन में कि सीटें भी बढ़ाई गई हैं सीट्स को इंक्रीज किया गया है सीट्स को इंक्रीज किया गया है और सीटें इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं, नहीं हुई है आई में ज्यादा नहीं हुई है एनआईटी जी एफ वगैरह में ज़्यादा सीटें इंक्रीज हुई हैं तो इंक्रीज इंक्रीमेंट होने के बाद क्या लग, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप 100 200 500 तक ऊपर रैंक मान के चलिए और यहाँ पे 13000 रैंक अगर आपका आता है तो आपको यहाँ पे अप्लाइड जियोलॉजी मिल जाएगा फाइव ईयर एम एस मतलब आपको एक रेपुटेड आई में पढ़ने का मौका मिल रहा है डिसीजन आपका है जाना है या नहीं जाना है आगे बात करते हैं आईआईटी मद्रास की बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आईआईटी है इसने जो है तीन साल में आईआईटी मद्रास ने तीन साल में डाटा साइंस का बीएससी स्टार्ट किया है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहां से डाटा साइंस में बीएससी कर रहे हैं जितने भी कंप्यूटर साइंस की दीवानगी को लेकर घूम रहे हैं जितने भी दीवान है कंप्यूटर साइंस के उनको किसी भी मैं बोलता हूँ रेप्यूटेड कॉलेज लो कोई भी ब्रांच ले लो और आई मद्रास से तीन साल में डाटा साइंस का बीएससी कर लो उसके बाद आप अपना जो है और भी कोर्सेज चल रहे हैं रुड़की आई कानपुर वगैरह में उनको भी कर सकते हो तो टेक्निकल नॉलेज आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को आपको यहाँ से मिल जाएगी बेस्ट प्लेटफॉर्म से और जो डिग्री होगी वो भी आपकी एक बेस्ट कॉलेज से होगी तो अपने ब्रांच के चक्कर में नीचे लेवल का कॉलेज मत लेना मैं हर वीडियो में रोज बोलता हूं यह बात कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बंद हो रही है सौ अट्ठावन में आप देख लीजिए यहां पे 158 रैंक पे मतलब 200 के अंदर रैंक जिस बच्चे का आ रहा है वो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए अप्रोच कर सकता है लेगा मतलब एक ऐसे बच्चे के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा जिसका रैंक दो है दो रैंक रैक है ऑल इंडिया बहुत ही रेपुटेड बच्चा होगा बहुत ही अच्छा मतलब ये टैलेंटेड बच्चा होगा जिसको नवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को देख लीजिए अब इस ब्रांच के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये ब्रांच क्या है ये ब्रांच बहुत ज्यादा जगह है ही नहीं मुझे लगता है शायद आई मद्रास में ही है ये यहाँ पे क्या होता है जैसे आपका एरोनोटिकल इंजीनियरिंग होता है वैसे ही आपका ओसीियन नवल इंजीनियरिंग होता है इसमें क्या होता है सिप के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आती है जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है एरोप्लेन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको एयरोस्पेस एरोनोटिकल इंजीनियर उसको ठीक करता है तो ऐसे यहाँ पे सिप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिप पे जो भी इंजीनियर रखे जाते हैं टेक्नीशियन रखे जाते हैं वो ये नवल इंजीनियरिंग वाले होते हैं और बहुत अच्छी ये ब्रांच है ये देखिए सात तक आपको ये ब्रांच मिल रहा है यूनिक ब्रांच है रैपिटेड आई में पढ़ने का मौका मिल रहा है और उस बच्चे के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है जिसकी दो रैंक है लास्ट में देखिए आप बारह अगेन बारह हजार मतलब तेरह हजार तक अगर आपकी रैंक आ रही है आईआईटी मद्रास में जितने भी बच्चे हैं ध्यान से देख लें तेरह हजार तक रैंक जा रहा है जियलॉजिकल इंजीनियरिंग सॉरी बायोलॉजिकल साइंस में आपको फाइव ईयर एमएस की डिग्री लेने का मौका मिल रहा है आई में पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है इस बुक देख लीजिए चॉइस फिलिंग इसी तरीके से करनी है आईआईटी के बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरी वाले बच्चों की भी बात कर लेंगे आई आई अच्छा है लोकेशन वाइज भी अच्छा है वैसे भी बहुत अच्छा है बच्चे इसको लेना चाहते हैं और 105 पे बंधू कंप्यूटर साइंस जिस बच्चे की 100 के अंदर रैंक है उस बच्चे ने इसको ऑप्ट किया है मटेरियल साइंस चार हजार तक जा रहा है मतलब पाँच हजार तक मटेरियल साइंस मिल सकता है तीन हजार चौतीस सौ तक आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जा रहा है टेक्सटाइल छः हज़ार तक जा रहा है और उसके बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग जा रहा है सैंतीस सौ तक और चवालीस सौ तिरसठ तक आपका जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आई आई टी रुड़की थोड़ा छोटा दिख रहा होगा मैं इसको जूम कर देता हूँ आई आई टी रुड़की यहाँ पे देखिए आई रुड़की में आपका कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 422 पे मतलब 500 के अंदर रैंक है कंप्यूटर साइंस की उम्मीद रख सकते हैं जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की बात करें फाइव ईयर एम टेक दस हज़ार तक जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे आपका बत्तीस तक जा रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पाँच तक जा रहा है यहां भी अगर दस रैंक आ रहा है तो आई रुड़की में पढ़ने का मौका आपको मिल सकता है इसको गवाना नहीं है इसको तुरंत ऑप्ट कर लेना अगर मिल रहा है आई कानपुर की बात कर लेते हैं रेपिटेड आईआईटी कानपुर की हम लोग बात कर लेते हैं अच्छा है रेप्यूटेड आईआईटी है यहाँ पे क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस की दो और अगर हम देखें फिर से अर्थ साइंस आपका फोर ईयर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोर्स के आगे ईयर नहीं लिखा हुआ है वो सब फोर ईयर वाले हैं जहाँ पे फाइव ईयर वगैरह है वो आगे मैंने लिख दिया है यहाँ पे देखिए अर्थ साइंस जा रहा है दस तक आपका और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा मतलब दस हजार अगर आपका रैंक आता है आपको 200 300 तीन सौ रैंक चार रैंक लाने वाले बच्चे के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है एरो इंजीनियरिंग 4000 तक जा रहा है और 5000 तक आपका गया है सिविल और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग सात हजार तक गया जितने भी बच्चे हैं सात हजार आठ हजार नौ हजार दस हजार बारह हज़ार पुराने आई आई टी है ये नए वाले तो नए वाले पे भी हम लोग पहुंचे नहीं है आई आई टी गोआईटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए आप कंप्यूटर साइंस आपका गया है पांच सौ अठासी तक और अगेन आप देखेंगे सात हजार तक आपको मिल रहा है केमिकल और उसके बाद सिविल आपका सात हजार तक समथिंग साढ़े सात हजार तक केमिकल जा रहा है केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल साइंस टेक्नोलॉजी आपका सात हज़ार तक गया साढ़े सात हज़ार तक केमिकल इंजीनियरिंग साढ़े पाँच हज़ार तक मतलब छः हज़ार तक जा रहा है और बायोसाइंस इंजीनियरिंग आपका आठ हज़ार मतलब नौ हजार तक भी रैंक आ रहा है तो बायोसाइंस इंजीनियरिंग आप भर सकते हो कौन सा आई आई टी में सॉरी आईआईटी गुवाहाटी में उसके बाद बात करते हैं आई टी बनारस की बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस गया है आपका 855 तक 1000 के अंदर रैंक आने वाले जितने भी बच्चे हैं लाने वाले वो आई टी में कंप्यूटर साइंस की उम्मीद रख सकते हैं कंप्यूटर साइंस फाइव ईयर की बात कर लेते हैं ग्यारह सौ नब्बे बंद हो गया है उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स फाइव ईयर सात हजार तक गया है मतलब आठ हजार तक के बच्चे इसको भर सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तेरह हजार तक चौदह हजार तक किसी बच्चे का रैंक अगर आ रहा है उसको भर दे आराम से कोई दिक्कत नहीं है मटेरियल साइंस की बात कर लेते हैं बारह हज़ार तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग साथ लगभग छः हज़ार तक दस हज़ार तक आपका जा रहा है देख लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी आपका कौन सा है ये बनारस आईआईटी बीएचयू फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग है और इससे कई सारे जो लोग पास आउट हुए हैं और जो यहाँ के एलमनीज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं इसका इसको आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चौदह अट्ठानवे तक मतलब पंद्रह हजार तक आपका आ रहा है सोलह हजार तक भी जा रहा है उम्मीद रख सकते हो यहां पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा आईसम धनबाद की बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आईसम धनबाद माइनिंग के लिए जाना जाता है और बहुत ही ज्यादा बच्चे यहां पे पढ़ भी रहे हैं जो बताते रहते हैं इसके बारे में इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आईसम धनबाद की कंप्यूटर साइंस बंद हो रही है आपकी तीन हज़ार पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं छह हजार पे चौदह हजार दो सौ निन्यानवे पंद्रह हजार तक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको मिल रहा है उसके बाद आप बात कर लेते हैं चौदह हजार सात सौ अगेन में यहाँ पे देखेंगे चौदह हज़ार तक फिर जा रहा है आपका कौन सा जा रहा है अप्लाइड जोलॉजी चौदह हजार बंद हो रहा है मतलब आपका पंद्रह तक रैंक आ रहा है अप्लाइड जियोजी आप इसमें भर सकते हो नेक्स्ट आई हैदराबाद नए आई में हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है फैकल्टी बहुत अच्छी है और बाकी जो अंदर की चीज़ें है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आप उसको देख सकते हैं या कैंपस टूर के बहुत वीडियो पड़े हुए हैं आप उसको देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वगैरह पे काफ़ी फोकस करते हैं ये लोग अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बंद हो रही है पांच सौ चौरासी छः सौ तक रहेंगे आ रहा है भर सकते हो आर्टिफिशियल बंद हो रहा है छह पे आर्टिफिशियल का क्रेज देखिए आप कंप्यूटर साइंस के बराबरी ये बंद हो रहा है बायोमेडिकल बंद हो रही है सात अब ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपको एवरेज कॉलेज में नहीं मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग बंद हो रही है सात साढ़े सात हज़ार तक मटेरियल साइंस जा रहा है लगभग आठ हज़ार तरह और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग चार हजार तक जा रहा है आईटी गांधीनगर की बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस चौदह सौ अठासी इसी तरीके से चॉइस फिलिंग करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं सब कुछ कवर करने की कोशिश किया गया है और कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दस हज़ार तक मटेरियल साइंस आईआईटी गांधीनगर, उसके बाद आईआईटी आई भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस गया है बाईस सौ इक्यावन तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाँच हज़ार तक गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सात हज़ार नौ हज़ार तक लग जा रहा है और उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ फाइव ईयर डिग्री की अगर बात कर ले यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एम तो नौ चार चार तक ये जा रहा है उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पे मेटेरिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस की हम लोग बात कर लेते हैं तो तेरह हजार तक आपका जा रहा है लगभग चौदह हजार तक आपकी रैंक आ रही है मेटोजल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस प्राइवेट डिग्री में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग ग्यारह हजार तक जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग भी जिसको चाहिए आई भुवनेश्वर में मिलेगा नेक्स्ट आई जोधपुर की बात कर लेते हैं अठाईस तक गया है कंप्यूटर साइंस चौदह तक देखिए मटेरियल साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका जा रहा है तिरासी सौ तितालीस मतलब नौ तक आपका जा रहा है मैकेनिकल सिविल की बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की दस हजार हजार तक जा रहा है बायो इंजीनियरिंग चौदह हजार मतलब पंद्रह हजार वाले बच्चे बायो इंजीनियरिंग की उम्मीद रख सकते हैं आई रोपर की बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उन्नीस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका तीन उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग सात हो गया उसके बाद मैटेनिकल इंजीनियरिंग फिर देखिए बारह तक और सिविल इंजीनियरिंग आप देखिए यहाँ पे जा रहा है कितना नौ मतलब दस तो मान लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग लास्ट में जा रहा है आपका दस हजार एक सौ बयालीस तक तो ये वो आई थे कुछ जिनको मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को समझाने की कोशिश की है उम्मीद है कि चॉइस फिलिंग में हेल्प मिलेगी और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ब्रांच चेंज करने के ऑप्शन तमाम मिलेंगे एक बार जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठ जाओगे ठीक है एक बार जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठ जाओगे तो आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ जैसे मान लीजिए एनआईटी की चॉइस फिलिंग की जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी जई मीस में रैंक अच्छी आई हुई है और जो जो सा कि काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ एक्सपेक्टेड आइडिया बता दूंगा चॉइस फिलिंग को लेकर के बहुत सारे बच्चों ने इतने क्वेश्चन कर डालें इतने फोन कर डालें मैं वन बाई वन करके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ और जितने भी मेरी टीम में लोग हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं और बात करते करते फोन पे थक भी जाते हैं तो जितनी जितनी जा, ज़्यादा बात करेंगे वन बाई वन करके कितने लोगों को लिस्ट सेंड करेंगे ये लिस्ट आप चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से और और भी ज़्यादा अंदर मतलब थोड़ी सी गहराई से बनाना चाहता था पर यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा उतनी गहराई से तो एक एक्सपेक्टेड आइडिया बता दे रहा हूँ कि जिन बच्चों की दस से पचास के बीच में ऑल इंडिया रैंक आ रही है अगर आपकी दस से पचास के बीच में ऑल इंडिया रैंक आ रही है मतलब सी आपका आ रहा है दस से पचास के बीच में आपका आ रहा है सी रैंक उन बच्चों को कैसे चॉइस फिलिंग करनी है थोड़ा सा आइडिया देख लें बाकी आप समझदार हैं खुद समझ सकते हैं और बाकी आप फोन पे बात कर सकते हैं कि, कि किसको ऊपर नीचे कैसे रखना है जो मेरा तरीका है जो मुझे सही लगता है जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ जितना हम लोगों को काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है हमारी टीम को एक्सपीरियंस है मेरे से भी बहुत सीनियर सीनियर लोग हैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया जो जो इस तरीके को फॉलो करते हैं बताते हैं कि भाई ये तरीका ज़्यादा अच्छा है अगर आपकी रैंक दस हज़ार से पचास हज़ार के बीच आ रही है मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक दस हज़ार से मैं यहाँ जनरल ओबीसी ब की बात कर रहा हूँ यहाँ होम स्टेट कोटे का यहाँ पे आप थोड़ा सा होम स्टेट कोटे को अवॉइड कर रहा हूँ मैं बाद में किसी दिन कल फिर बात कर लूँगा मैं कोशिश करूँगा रोज़ चॉइस फिलिंग के ऊपर कुछ ना कुछ आपको बता पाऊँ जब तक चॉइस फिलिंग चलेगी तो यहाँ अदर स्टेट कोटे की हम बात कर लेते हैं बीच बीच में अगर कहीं ऐसा लगेगा कि होम स्टेट बताना है क्योंकि होम स्टेट कोटे का जो फायदा मिलता है वो आपको इन एनआईटीज में मिलता है जो लास्ट वाले होते हैं इनमें ज्यादा फायदा मिलता है ठीक है तो हम लोग बता देते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक मान लो दस हजार से पचास हजार के बीच में आ रहा है तो उनको चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो मैं बता दूं उनको चॉइस फिलिंग ऐसे करना है कि एनआईटी तिरची को नंबर वन पे तो रखेंगे रखेंगे एनआईटी सूरत कल वारंगल अलाहाबाद राउर किला कालीगढ़ जयपुर अब यहां पे क्या करना सबसे पहले आप सीएसआईटी को रखिए अब, अब एक तरीका ये लगा सकते हो कि एनआईटी तिरची भरा आपने ठीक है आपने एनआईटी तिरची भरा इसमें आपने सी भर दिया फिर इसमें आपने ई भर दिया फिर इसमें आपने आई वैसे बहुत जगह है नहीं फिर आपने इसमें इलेक्ट्रिकल भर दिया मैकेनिकल भर दिया सिविल भर दिया ठीक है एक तरीका ये है फिर नेक्स्ट एन में आपने यही सब ब्रांचेस भर दी और दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आपने एनआईटी तिरची भरा और एनआईटी तिरची को भरने के बाद आपने इसमें दो ब्रांचेस भर दें ई और सीएस ठीक है पहले नंबर पे सीएस दूसरे नंबर पे ई अगर आई टी है कुरुक्षेत्र वगैरह में जैसे आई है तो आई भर सकते हो उसके बाद आप सूरत कल ले लो ठीक है उसके बाद आप सूरत कल ले लो और सूरत कल में सेम ये तीन ब्रांचेस भर दो उसके बाद आप वरंगल ले लो वरंगल इलाहाबाद को ऊपर नीचे रख सकते हो उसके बाद उनमें तीन ब्रांचेस भर दो ये उसके बाद आप राहुल किला ले लो इनमें ये तीन ब्रांचेस भर दो फिर कालीकट जयपुर नागपुर में पैरल ये सब तीन ब्रांचेस भरते चले जाओ जब ये तीन तीन ब्रांचेज आप सब में भरते चले जाओगे यहां तक अब यहां तक जाने के बाद आपको करना क्या होगा तो मैं बता दे रहा हूं उसके बाद क्या करना होगा उसके बाद आपको की जब आप काउंसलिंग करोगे फाइव ईयर कोर्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं लेकिन बाकी जो ब्रांचेज हैं फोर ईयर कोर्सेज की तो फोर ईयर कोर्सेज की ब्रांचेज में आपको कौन कौन सी ब्रांचेज का से सामना करना पड़ेगा जैसे बच्चे बोलते हैं ना तो यहां पे आपको ये यहां तक तो जो ब्रांच है ये तो बहुत अच्छी लगती है सबको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मतलब ट्रिपल ही इसको बोलते हैं ये अलग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब आपका डबल ही ये अलग है ठीक है तो यहां तक तो ठीक है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपको मिलेगी कहीं 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 पर केमिकल इंजीनियरिंग आपको कहीं कहीं पे मिलेगी उसके बाद मटेरियल साइंस आपको मिलेगी उसके बाद आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिलेगी बायोटेक मिलेगी बायोमेडिकल मिलेगी मिलेगी सारेमिक इंजीनियरिंग मिलेगी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिलेगी और माइनिंग इंजीनियरिंग मिलेगी फोर ईयर कोर्सेज में ये ब्रांचेज आपको मिलेंगी जनरली इन एनआईटीज में अब आपने क्या किया कि स्टार्टिंग में स्टार्टिंग के एनआईटीज लिए ये लिया ये लिया सारे एनआईटीज में तीन तीन ब्रांचेस भर दी मतलब कौन कौन सी सी एस भर दी ई सी भर दी आई टी भर दी या फिर बहुत ज्यादा डबल ई आपने भर दी ठीक है अब ये ब्रांचेस आप बढ़ते चले गए बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो मैकेनिकल को भी चलो ले सकते हो सिविल को छोड़ दीजिए यहां पे ये चार चार ब्रांचेस बढ़ते चलो तो ये हो गया आपका एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह हो गया तो सोलह का आप जो है ये चार चौंसठ आपके, चौई आपके चौई हो होगा ये अब चौसठ के बाद आप क्या करोगे मैं बता रहा हूं दस हजार से पचास हजार के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो एक एक्सपेक्टेड आइडिया बता रहा हूं आप डीप में मुझसे पूछ भी सकते हो कितने भी ऐसे बच्चे हैं जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं हेल्पलाइन नंबर कोशिश करूंगा आज रात में कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाए तो यहां पे उसके बाद फिर क्या करना है उसके बाद सेम इन एनआईटीज में फिर आप ये ब्रांचेस भर सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल केमिकल मटेरियल प्रोडक्शन बायोटेक बायोमेडिकल सेरेमिक टेक्सटाइल माइनिंग उसके बाद आप इन एन को टच कर सकते हो चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां तक एन भरने के बाद आप इनमें भी वही तीन ब्रांचेस ऑप कर सकते हो ईसी सी एस आई टी या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज जैसे आप यहां पे इनको भी ले सकते हो आई सी सिद्धपुर तक बाद वाले एनआईटी जो है यहां पे होम स्टेट वाले बच्चों को फायदा मिलता है तो अगर बच्चे की रैंक एक लाख तक भी जा रही है अगर वो इन स्टेट से बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है मणिपुर से बिलोंग करता है नागालैंड मिजोरम वगैरह से बिलोंग करता है यहां पे उसका होम स्टेट कोटा लग रहा है तो यहाँ पे एक लाख रैंक तक भी वो इन सभी सभी कॉलेज में ये सब ब्रांचेस भर सकता है इसको ज्यादा डी

ये ट्रिपल आई टीज़ है लेकिन ट्रिपलाइटीज में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है ट्रिपल आई अलावाद इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर एक ट्रिपल आई और है मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा वो कौन सा है मैं यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ आपको लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में आप अगर व्हाट्सअप वगैरह करोगे तो मैं आपको बता दूंगा ट्रिपल आई में क्या है कि आपको इन ट्रिपल आई ये तो एमएचआर के हैं ठीक है ये आपके ट्रिपल के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के यहाँ पे आपको फीस में फीसेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू जैसे एनआईटी में फीस में फीसेशन मिलता है आई आई टी मिलता है यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम अगर एक लाख से कम है तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जीरो फीस लगेगी आपकी एससी एस टी फिजिकल हैंडीकैप से बिलोंग करते हो इनकम कुछ भी हो जीरो फीस लगेगी एनआईटीज में इन तीन ट्रिपल आई टीज में भी यही सिस्टम है बाकी के जितने ट्रिपल आई टी है इनमें भैया फीस कहीं पे दो लाख नब्बे हजार है कहीं पे दो लाख अस्सी हजार है कहीं पे पूरी तीन लाख है तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है फीस आप दे सकते हो तो आप एनआईटीज के साथ साथ में जैसे आपने किसी बच्चे ने दस से बीस पचास के बीच में रैंक है एनआईटी जैसे आपने मान लीजिए तिरची भरा तो एनआईटी तिरची भरने के बाद आपने क्या किया यहाँ पे सी भर दिया ईसी भर दिया आईटी भर दिया मैकेनिकल भर दिया चलिए ये कोर ब्रांचेस आपने या इलेक्ट्रिकल भर दिया आपने अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको एनआईटी कांजीपुरम भर सकते हो तिरजनापल्ली भर सकते हो पुणे नागपुर भोपाल भर सकते हो बड़ोदरा भर सकते हो आप कुरनूल सूरत लखनऊ वगैरह में सीएस भर सकते हो अगर वहाँ पे ई है तो ई भर सकते हो और आई ब्रांच है तो आई भर सकते हो ये भर दिया उसके बाद आपने एक ट्रिप्लाटी दो ट्रिप्लाटी ले लिए फिर उसके बाद सूरत कर ले लिया फिर उसके बाद तिरछी वारंगल ले लिया उसके बाद फिर आप बीच बीच में चाहो तो आप इन ब्रांचेस को पैरेलली करना क्या होता है पैरेलली जैसे आप अगर ब्रांच के पीछे ही भागना चाहते हैं अब अगर आप मैकेनिकल वगैरह नहीं भी भरना चाहते तो आपको करना बस यही है कि एन लिया आपने तिरची ले लिया आपने एन उसके बाद आपने सूरत कर ले लिया ठीक है इसमें सी भर दिया इसमें ईसी भर दिया इसमें आई भर दिया आपने इसमें ई भर दिया सीएस भर दिया आई भर दिया उसके बाद आप इनमें से कोई भी ट्रिपल ट्रपलाटी ले सकते हो उसमें भी ईसी सीएसआईटी पैरल ही आप लगातार भर सकते हो आपने दो एनआईटी भर दिया एक ट्रिपल ट्रपलाइटी भर दिया फिर एनआईटी भर दिया फिर ट्रिपल ट्रिपलाइटी भर दिया और लगातार ये तीन ब्रांच को आप ऑप्ट करते चले गए मान लीजिए आपने बीस एनआईटी भर दिए और मान लीजिए आपने दस ट्रिपलाइटी भर दिए बीस एनआईटी आपने भर दिए दस ट्रिपलाइटी आपने भर दिए ये हो गया टोटल ऑप्शन तीन और ब्रांच के ऑप्शन आपके ट्रिपल में हो गए मान लीजिए मिनिमम दो ऑप्शन तो ये ऑप्शन हो गए आपके और यहां तो ये आपके हो लग लग तो और बीस कितने हो गए गए लगभग ऑप्शन तो और कितने आपके ये टोटल आपकी सो चॉइस हो गई अब सो चॉइस में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि सो चॉइस में आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपके साथ कैसे नहीं होना चाहिए गड़बड़ वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप चाहें तो इस रैंक पे बहुत अच्छे जीएफटीआईज हैं उनको भी भर सकते हैं कैसे वो जीएफटीआईज मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं ये वो वो जी एफ टी आईज हैं जिनको आप ऑप्शन में रख सकते हो और बहुत रेप्यूटेडेड आई ये अपने आप में ये सारे जी एफ टी आईज अपने आप में बहुत रेपुटेड हैं इनको आप भर सकते हो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज बी आई टी मैसा ब्रांच का ऑप्शन सेम वही रहेगा सी एस भरो ईसी भरो जैसा आप समझते हो जिसको आप प्रियोरिटी में रखते हो उसके बाद आप मैकेनिकल भरो उसके बाद चाहो तो आप आई टी भी भर सकते हो फिर आप सिविल को रख सकते हो फिर आप बाकी ब्रांचेज को प्रोडक्शन मटेरियल वगैरह ब्रांचेज भी यहाँ पे हैं जेनयू डेली में और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फाइव ईयर कोर्स चलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कराइव ईयर कोर्स भरना है कि नहीं भरना है या फिर बीच बीच में जो एनआईट है उनमें भी फाइव ईयर कोर्स हैं ईयर कोर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा थोड़ा समय लगेगा हो सकता है कल ही बना दूर और जितने भी वीडियोस चॉइस फिलिंग के टाइम में मैं दे रहा हूँ थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए अंत तक देखें लास्ट तक लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस के स्पॉट राउंड के फॉर्म आए हुए हैं और डेली कोई ना कोई स्पॉट राउंड आता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा लगातार नया रायपुर भुवनेश्वर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी औरंगाबाद ये आपका सिस्टम इंजीनियरिंग करके एक ब्रांच है जैसे आपका सी प्लस का जो डिप्लोमा वगैरह होता है सी प्लस प्लस का तो पहले डोएक देती थी संस्था अब ये देती है नीलेट ठीक मतलब, है ट्रिपल आई टी रै मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद बहुत बढ़िया कॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग का आराम से सत्तर अस्सी हजार रैंक तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को ये मिल जाता है निफ्ट रांची में पहले मटेरियल साइंस ब्रांच चलती थी अब यहाँ पे क्या है पहले यहाँ पे मटेरियल साइंस ब्रांच चलती थी अब यहां पे पिछले साल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ गई तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं ओबीसी वाले बच्चे इसको आराम से एक डेढ़ लाख रैंक तक भी ऑप्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी इनको अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आगे तो चाहो तो आप इन कॉलेज को भी बीच में ऑप्शन में रख सकते हो एनआईटी ट्रिपल आई के कहीं बीच में या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो एनआईटी के बाद सीधे इनके बारे में भी सोच सकते हो अगर रैंक रेटरिया आपका ये आ रहा है अब ये रैंक रेटरिया मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है पर अगर रैंक आपका सत्तर तक भी जा रहा है तब भी आप चॉइस फिलिंग ऐसे ही कर सकते हो जनरल ईडब्ल्यू एस ओबीसी की मैं यहाँ कर रहा हूँ ठीक है अब यहां बात कर लेते हैं पचास हजार से एक लाख तक अब अगर पचास हजार से एक लाख तक रैंक आपका आ रहा है तो बच्चे बोलेंगे क्या हम वो वाले कॉलेज ना भरें नहीं बिल्कुल भरो पचास हजार से एक लाख तक आपका रैंक आ रहा है आप एनआईटी की चॉइस फिलिंग सेम वैसे ही करो ट्रिपल आई की चॉइस फिलिंग अगर आप फीस दे सकते हो सेम वैसे ही करो जीएफटी जो भरे हुए थे वो जीएफटी आप सेम वैसे ही भरो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं पर लेकिन इनको ऑप्शन में जरूर रख लेना क्योंकि अगर आप इनको ऑप्शन में नहीं रखोगे बेटा तो आपको ऑप्शन हो सकता है जो सा के सेवेंथ राउंड तक कुछ भी ना मिले क्या होता है यहां पर जीएफटी आई इसमें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज वीआईटी मेत्रा हैदराबाद जे एन यू ट्रिपलाटी नया रायपुर ये हो गया ट्रिपल ट्रिपलाइटी रैम इंस्टीट्यूट ऑफ इफर्म केमिकल टेक्नोलॉजी ये आपका एक नया कॉलेज जुड़ा है आईसीटी मुंबई का सेकंड कैंपस है उड़ीसा में नया जुड़ा है बहुत बढ़िया कॉलेज है जो लोग केमिकल में जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट ऑप्शन निफ्ट रांची स्लाइड पंजाब जी जी बिलासपुर पुडुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका अजमेर मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर और सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका आसाम हो गया ये वो जी हैं जिनको आप ऑप्शन में रख सकते हैं यहाँ पे और इनको ऑप्शन में अगर आपका रैंक रहे पचास हजार से एक लाख तक जा रहा है तो इनको आप जरूर एनआईटी सेम एज इट इज भरिए ट्रिपल आई टी सेम इट इज भरिए जैसे भरे जैसे सब जैसे बाकी लोग भर रहे हैं ये लिस्ट आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा देंगे हम बार बार बोल रहे हैं सबको और जीएफट जैसे भरे थे पहले वो भरो बस इसमें तो नीचे वाले जरूर ऐड कर देना ये जो नीचे वाले हैं इनको बेटा जरूर ऐड कर देना क्योंकि जब ऐड करके चलोगे ना तो एक उम्मीद बन जाएगी कि भाई ये कॉलेज आपको मिल जाएगा उसके बाद बात करते हैं अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक एक लाख से दो लाख के बीच में चला जा रहा है एक लाख के बाहर निकल जा रहा है वो क्या करेंगे अब ये बोलेंगे कि भाई क्या करें वो वाले कॉलेज नहीं भरना क्या नहीं एन आप लोग भी भरो मिलेगा नहीं पता है आप लोग भी एन भरो कोई दिक्कत नहीं तसली के लिए भरते हैं सारे बच्चे भरते हैं आप भी भरो उसके बाद क्या है एक मैं बस बोलना चाहूंगा कि एन जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनमें सारी ब्रांचेस भरना स्टार्टिंग के एन में तो आप भरोगे लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाली एन में भी सारी ब्रांचेस भरना उसके बाद क्या होता है दो में सी सब राउंड का अगर बात करेंगे हम लोग तो लगभग आप मान के चलिए डेढ़ लाख रैंक तक जनरल ओ को एन मिले हैं बल्कि एक लाख चालीस हज़ार रैंक पे ट्रिपल आई मणिपुर वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला है ठीक है एन आई टी भर भर दीजिए आप ट्रिपल आई जैसे आपका अगर फीस दे सकते हो तो आप भरो और उसके अलावा एक लाख से दो लाख के रैंक के बीच में अगर आपका रैंक जा रहा है तो बेटा ध्यान रखना जनरल इड ओ बी सी के बच्चे मैं एस की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा एस में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है उनको एनालाइज करके थोड़ा बताना पड़ेगा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें उनकी कैटेगरी वाला रा रैंक में बहुत कंफ्यूजन रहता है तो एस सी और फिजिकल हैंडीकैप के नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा बहुत जल्दी मैंने बताया जब तक चॉइस फिलिंग चलेगी मैं डेली चॉइस फिलिंग भी आपसे बात करूंगा कोशिश करूंगा कि डेली लाइव सेशन कर सकूं लेकिन लाइव सेशन के लिए व्यवस्थाएं बन नहीं पा रही हैं अब यहाँ पे क्या है ये ये एज इट इज कॉलेज आप यहाँ तक भरिए कोई दिक्कत नहीं है स्लाइड पंजाब जरूर भरना जीजू जू बिलासपुर जरूर भरना पुणुचरी इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर भरना सेंट्रल स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जरूर भरना सीआईटी असम तेजपुर यूनिवर्सिटी भरना निपटम सोनी पर जरूर भरना आप ध्यान से भरना फूड टेक्नोलॉजी अच्छा कॉलेज है वर्ल्ड क्लास कैंपस बना हुआ है एक बार खोल के देख लें जो बच्चे फूड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं या फूड टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही जो है बोलते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए वो एक बार निपटम का कैंपस देख लें अगर हो सके तो घूम के भी आए निपट्टम जिस किसी को निपटम के बारे में ज़्यादा जानकारी करनी है मैं बच्चों के नंबर दे दूंगा आप बात कर सकते हैं आसाम यूनिवर्सिटी जरूर भरना एच गढ़वाल जरूर भरना माता वैष्णो देवी जरूर भरना गणिकांत चौधरी उसके बाद आपका ये मालदा वाला है उसके बाद आपका ये होगा इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तमिलनाडु ये इस बार नया कॉलेज जुड़ा है उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला हो गया ईटानगर ये पिछले साल नया जुड़ा था नहीं ये इस बार नया जुड़ा है उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस ये भी इस बार नया जुड़ा है मिजोरम यूनिवर्सिटी जी भी हरिद्वार छत्तीसगढ़ आपका स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ये कॉलेज अगर आपका रैंक एक लाख से दो लाख के बीच में जा रहा है इन कॉलेज को बेटा ऑप्शन में जरूर रखना उम्मीद करते हैं कि जोसा के लास्ट राउंड तक कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और स्टार्टिंग के पीरियड में जब टॉप रैंकर बच्चों को कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे जैसे आप जोसा के फर्स्ट राउंड की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपका रैंक बीस हजार भी है जनरल कैटेगरी में तो आपको कुछ ना मिले या आप किसी बच्चे का रैंक चालीस हजार है उसको कुछ ना मिले क्योंकि कभी कभी मैंने देखा कि चालीस हजार रैंक वाले बच्चे को यही सब जीएफआई मिल जाते हैं थर्ड फोर्थ राउंड में लेकिन स्लाइड होते होते फिफ्थ राउंड तक सिक्स राउंड तक लास्ट में जब सेवेंथ राउंड सेवेंथ राउंड तो इस बार नहीं होगा इस राउंड में बहुत ज्यादा चेंजमेंट देखने को मिलते हैं पहले राउंड में दूसरे राउंड में तीसरे राउंड में चौथे राउंड में चेंजमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन चौथे राउंड के बाद जैसे ही पांचवें राउंड का रिजल्ट है क्योंकि इसमें आपको डिसीजन लेना होता है दो में से एक कॉलेज सेलेक्ट करने का तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजमेंट देखने को मिलेंगे इसलिए धैर्य रखें और चॉइस का एक एक्सपेक्टेड मैंने आइडिया बता दिया है ये लिस्ट चाहो तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा और जो कैटेगरी वाली लिस्ट है एस सी के बच्चों की वो भी मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा उसमें उनके जो है ब्रांच वाइज रैंक वाइज जो भी होगा सारी चीज़ें मैं उसमें मेंशन करके आपको दे दूंगा तो ये था आपका एक छोटा सा आइडिया चॉइस फिलिंग का जो मैं देना चाहता था और ये लिस्ट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पे प्रोवाइड कितने भी ऐसे बच्चे हैं बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी फिजिकल काउंसलिंग है मतलब जो डायरेक्ट काउंसलिंग होती है जैसे हरियाणा का एच एस खत्म हो गई है बच्चों को बहुत ज़्यादातर रैंक पे भी नीचे लेवल के भी कॉलेज मिले हैं बहुत अच्छी अच्छी रैंक मतलब बहुत खराब खराब रैंक पे भी अच्छे कॉलेज मिले हैं तो यहाँ पे क्या है कि जैसे सेवेंटी फोर थाउजेंड रैंक में किसी को मैकेनिकल मिल गया है वाई एम फरीदाबाद में तो मुझे लगता है उससे ऊपर का भी ऑप्शन उसको मिल जाएगा किसी को नाइनटी फोर थाउजेंड रैंक पे बायोटेक मिल गया है डी क्रस्ट में या किसी को एक लाख रैंक पे मिल गया है जो है यहाँ पे मैकेनिकल मिल गया या बहुत सारे बच्चों को जो है झज्जर वगैरह में कॉलेज बने हुए हैं दीनबंधु छोटूराम सॉरी चौधरी देवीलाल वगैरह जो कॉलेज बने हुए हैं वो मिल गए हैं तो यहां पे बता दूं मैं आपको कॉलेज लेवल की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपके पास एमडी यू रोहतक है ठीक है एम डी रोहतक यूनिवर्सिटी बनी हुई है रोहतक में इसकी जो फॉर्म की फीस है वो पाँच सौ है पंद्रह अक्टूबर से बीस बीस अक्टूबर आप फॉर्म भर सकते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब आपको जब कॉलेज में पहुंचना होगा तो वो पहुँचने की डेट क्या है यहाँ पे बाईस अक्टूबर को आपको पहुंचना है साढ़े बजे सुबह और जितने भी बच्चों की रैंक सात आठ लाख रैंक तक अगर आपका ऑल इंडिया रैंक जा रहा है आप यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं साढ़े बजे सुबह पहुंचना है अप्लाई करने की लास्ट डेट बीस तारीख है जी जी वो की बात कर लेते हैं गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें फीस यहाँ पे एक हज़ार रुपये है और चौदह अक्टूबर से उन्नीस अक्टूबर फॉर्म को अप्लाई करने की डेट है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह कई कई बार नौ दस लाख रंग तक भी यहाँ पे मिली है गर्ल्स कैंडिडेट जितनी भी हैं वहाँ पे उनका रिजर्वेशन रहता है वो ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं जो ब्रांचेस खाली होंगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक आपको वहाँ पे वो ब्रांच दी जाएगी मतलब जितने भी बच्चे वहाँ पे पहुंचेंगे उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस जो बेस्ट रैंकर होगा उसको पहले ब्रांच अच्छी देंगे उसके बाद फिर वो 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 वन बाई वन करके बाद में जो आपकी ब्रांच रैंक होगा उसके हिसाब से आपको ब्रांच अलाउट करेंगे नहीं ब्रांच अलाउट होता है वापस भी आ सकते हैं नहीं ले सकते हैं एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे बीस तारीख को जाना है आपको और इक्कीस तारीख को जाना है लगभग सात से आठ लाख रैंक तक अगर आपका आ रहा है सात से आठ लाख रैंक तक अगर आपका आ रहा है आप यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पे डी क्रस्ट बहुत ही रेपरेट कॉलेज है डीनवंधु छोडूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल ये बना हुआ आपका बहुत अच्छा कॉलेज है इसका इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और यह सेकंड नंबर का कॉलेज माना जाता है आपका हरियाणा के अंदर 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है फॉर्म की फीस एक हजार रुपए है फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें 22 अक्टूबर को जाना है और 23 अक्टूबर को जाना है ये रैंक वाइज इन्होंने बुलाया है आप इसकी एप्लीकेशन वगैरह खोल के देख सकते हो अगर कोई दिक्कत आती है फोन करो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर दे दूंगा बता दूंगा इनका प्रोसेस क्या है आराम से तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो रह गए हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया है ध्यान से देख लें तेईस अक्टूबर को पहुंचना है यहाँ भी लगभग सात से आठ लाख रैंक तक आपका आता है तो आप जा सकते हो एडमिशन होना ना होना बात की बात है जैसे जैसे बच्चे वहाँ पे पहुंचेंगे बहुत अच्छे रैंक वाले पहुंच गए आप रह जाओगे बहुत अगर खराब रैंक वाले बच्चे पहुंचे तो आपका एडमिशन हंड्रेड परसेंट वहाँ पे हो जाएगा अब यहाँ पे एक कॉलेज और है उसके बारे में थोड़ा बता दूँ बहुत ही अच्छा कॉलेज है कई सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं जी लुधियाना इसकी जब आप वेबसाइट खोल के देखोगे जे लुधियाना की गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना ये बहुत बढ़िया कॉलेज है नाइनटीन का कैंपस है और किसी टाइम में इसकी सिविल इंजीनियरिंग वगैरह मैकेनिकल वगैरह का पैकेज बहुत अच्छा आता था अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनका एक अपलीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं फॉर्म की फीस क्या है शायद हज़ार रुपये रहती पिछले साल हज़ार रुपये थी फॉर्म की फीस फिल कर दीजिए आपको एक डेट मिल जाएगी यहाँ पे भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है आपकी चॉइस फिलिंग में काम आएगी आपके एडमिशन लेने के लिए आपके काम आएगी वीडियो अच्छा लगा है। इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर जरूर करें वीडियो को नेक्स्ट की वीडियो, वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ और कोशिश करता हूँ जब तक चॉइस फिलिंग चलेगी आपकी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग रोज बात कर सकें तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच